पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन के जेर एहतमाम दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में एक रोजा चैरिटी मीना बाजार सजाया गया, जिसका इफ्तिताह खातून अव्वल समीना अलवी ने बाकायदा फीता काट कर किया। मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल्स का विजिट करते हुए मिसेस अलवी ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इवेंट के शानदार इनकाद पर दफ्तर खारजा हुकाम को मुबारकबाद पेश की। कॉन्ग्रेचुलेटिंग द मेंबर्स ऑफ पफवा पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर कमांडेबल एफर्ट्स इन सक्सेसफुली अरेंजिंग दिस वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ डाइवर्स कलर्स cultures, crafts, arts and cuisine from all over the world. मीना बाजार में मुल्की सियासी और समाजी शख्सियात गैर मुल्की सफारतकारों और उनके अहले खाना ने भरपूर शिरकत की। मुख्तलिफ सफारतखानों और हाई कमिश्नर की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। मुतअद्दिद ममालिक की ज्वेलरी हैंडीक्राफ्ट गारमेंट्स शॉल्स और पेंटिंग्स हाजरीन की तवज्जो का मरकज रही। शुरका मुख्तलिफ ममालिक के रवायती खानों से भी महजूज हुए। इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा और होने चाहिए ताकि हमारा इमेज इम्प्रूव हो सके। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमें हर साल करवाना चाहिए और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए पाकिस्तान में जहाँ पे डाइवर्सिटी प्रमोट हो। We love Pakistan, Pakistanis love us and we are two countries and one nation. We love each other. Pak Iran dosti zindabad. हमारा तरफ से मतलब पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट नेशन और सिटीजन लुत्फ सलाम प्यार और मोहब्बत। इस दौरान मुल्की और गैर मुल्की बच्चों को शानदार परफॉर्मेंस पर खूब दाद मिली। कुरानदाजी के जरिए शुरका को इनामात भी दिए गए। हाजरीन की जानिब से चैरिटी चेक भी दिए गए। शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीबात के इनेकाद से जहां डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को मिल बैठने का मौका मिलता, वहीं मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत और तहजीब को करीब से समझने में भी आसानी होती।